2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर है। SSA तथा GOV मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए ये सूचना है। सबसे पहले हम सीतामढ़ी जिला से चालू करते हैं। कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार SS मद के हड़ताल अवधि का बकाया भुगतान हेतु बैंक भेज दिया गया है, जो जल्द ही बैंक के द्वारा खाता में भेज दिया जाएगा। वहीं GOV मद से पाने वाले शिक्षकों के लिए पैसा नहीं होने के कारण GOV तथा नगर पंचायत शिक्षकों का भुगतान नहीं हो सकता है। वहीं आइए चलते हैं हम कैमूर जिला। आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि SS मद में फरवरी माह 2021 के वेतन भुगतान हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी मिलान के लिए कार्यालय भेज दिया गया था। मिलान के क्रम में कुछ बैंक खाता संख्या त्रुटिपूर्ण पाया गया। अभी मिलान की प्रक्रिया चालू है। मिलान पूर्ण हो जाने के बाद आज शाम तक त्रुटिपूर्ण वाले का छोड़कर बाकी सभी का भुगतान हो जाएगा। जिनका गलत है उनका सुधार कर गुरुवार या शुक्रवार तक उनके खाते में भुगतान करा दिया जाएगा। वहीं GOV मद में जिला में राशि अप्राप्त है। उसके बाद सारण जिला में आइए चलते हैं। जिला स्थापना कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार शेष बचे 12 प्रखंडों का वेतन भुगतान होने की संभावना है। जैसे नगरा, अमनौर, दरियापुर, सोनपुर, दिघवारा, जलालपुर, बनियापुर, तरैया, रिविलगंज, गड़खा, लहलादपुर एवं मढ़ौड़ा का मार्च का वेतन बैंक में भेज दिया गया है। बहुत ही जल्द भुगतान कल या परसों में हो जाएगा। वहीं सिवान जिला से प्राप्त सूचना अनुसार PNB से SBI में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है और एडवाइस किसी कारणवश त्रुटि पूर्ण होने के कारण उसको लौटा दिया गया था, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद एक शिक्षक द्वारा उनको फिर एडवाइस को बैंक भेज दिया गया है। उम्मीद है कि इस सप्ताह में भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं आज मैंने पटना सचिवालय से संपर्क करने का प्रयास किया, मालूम चला है कि सचिवालय बंद हो गया है। अब उम्मीद है कि लगभग 15 तारीख तक किसी भी तरह का आवंटन प्राप्त नहीं होगा। वहीं 5 जिला में जिन जिलों में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे गोपालगंज, दरभंगा इत्यादि 5 जिला है जिसमें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, वहाँ के DPO स्थापना के द्वारा आवंटन नहीं मांगा गया था जिसके कारण वहाँ पे नहीं गया है। वहाँ के साथी से अनुरोध है कृपया वहाँ के स्थापना से आवंटन भेजने मांग करने की कृपा करें। धन्यवाद।